Welcome to this new lecture, Unit 2 Connections and Lecture 7, Types of Weld and Symbols and Design of Pivot Weld. So, in this session, we will see what are the types of weld available and what are the symbols assigned to them. मतलब किस सिंबल से हम किस वेल्ड को समझ सकते हैं, ये चीजें. ये एक छोटा सा आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको समझ लेना है, ठीक है. इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको. और उसके बाद हम लोग जो मेन फोकस हमारा रहेगा डिजाइन ऑफ बट वेल्ड, राइट. मैंने आपको लास्ट क्लास में दो चीजें बताई होंगी, एक बट वेल्ड बताया होगा, एक फिलेट वेल्ड, राइट. दो चीजें तो हम लोगों को बेसिकली दोनों डिजाइन पढ़ने हैं और उन्हीं दोनों पे न्यूमेरिकल करने हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग जो देखने जाएंगे वो डिजाइन ऑफ बट वेल्ड देखेंगे, राइट. तो इस सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है, आपका टाइप्स ऑफ वेल्ड्स और जो सिंबल्स होते हैं उसको देखेंगे. और ये कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको लिस्ट कर लेंगे और सिंबल को समझ लेंगे. उसके बाद जो वेल्डिंग प्रोसेस है, क्या वेल्डिंग प्रोसेस यूज करेंगे, वो चीजें हैं. चलिए, हमारा पोर्शन ये है, बिकॉज ये सिलेबस में नहीं आपके कि वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ना हम लोगों को, बट एक ओवरव्यू करेंगे एंड देन वी विल गो टू डिजाइन ऑफ बट वेल्ड. उसके बाद हम लोग डिजाइन ऑफ बट वेल्ड में जो स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सब देखेंगे. तो सबसे पहली बात है हमारे जो देखे यहाँ पे, सो टाइप्स ऑफ बट वेल्ड एंड इट्स सिंबल्स, राइट. अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी वेल्ड के बारे में. एक तो मैंने बताया आपको बट वेल्ड बताया, राइट, और एक था आपको फिलेट. ये दो तरह की वेल्ड आपको बताई थी. तो एक जो था आपको, मतलब अगर हम दो मेंबर को इस तरह से ऐड करना चाहते हैं तो इसमें हम लोग को वेल्डिंग अगर यूज करना है तो वो जो टाइप का वेल्डिंग होगा, तो इसको हम लोगों को इस सरफेस को क्या करना होगा, इसे हमको वेल्डिंग करना होगा. तो ये जो वेल्डिंग करिएगा इसी को हम लोग बोलेंगे बट वेल्ड, राइट. और अगर फिलेट की बात करें तो ये कैसा आता है, ऐसा समझ लीजिए कि दो मेंबर को इस तरह से ऐड करना हो जो कि कुछ एंगल पे हो, राइट, कुछ एंगल पे हो. अब इसको वेल्ड करना होगा तो इस पोर्शन को वेल्ड करना पड़ेगा, तो इस तरह की जो भी वेल्डिंग होगी इसको हम लोग फिलेट वेल्ड बोल लेंगे, ठीक है. ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बताओ. उसके बाद अगर हम लोग फर्दर बट वेल्ड को और क्लासिफाई कर दें और इसके टाइप्स की बात करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे जो लिस्ट आप देख रहे हैं इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट. सब में आपने देखा होगा कि ये क्या है, बैक टू बैक का भी कनेक्शन हो रहा है, राइट. ये जो एक एंड है, ये एक एंड है, तो दो प्लेट है, दोनों को ऐड किया जा रहा है. दोनों में सब में देखिए यहाँ पे, ये बट वेल्ड पूरा बट वेल्ड है, राइट. ऊपर से नीचे तक दो प्लेट है, दोनों को एंड टू एंड ऐड किया जा रहा है, राइट. ये चीजें तो डिपेंडिंग अपॉन द वेल्डिंग फैशन, जो वेल्डिंग फैशन यहाँ यूज किया गया, जिस तरह से वेल्डिंग किया गया है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिंबल दिया गया, राइट. तो इसको मान लीजिए यहाँ पे रिज्ड एज के साथ हमारा प्लेट्स है, ठीक है, और बट वेल्ड यूज किया गया, तो ये एक काइंड का टाइप हो सकता है. तो इसमें जो भी वेल्डिंग होगी उसका सिंबल हम लोग कैसे यूज देंगे, इसको इस तरह सिंबल इसका यूज करेंगे. एक आपको सबसे ज्यादा कॉमन हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे देखेंगे स्क्वायर बट वेल्ड की बात करेंगे, ठीक है. तो ये चीजें हैं कि दोनों के बीच में वेल्डिंग कर रहे हैं, तो पूरा जैसे हम मान लीजिए कुछ वेल्डिंग होगा कि यहाँ तक ही सीमित रहे, कुछ होगा कि फुल आ जाएगा, पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा, कंप्लीट पेनेट्रेशन होगा जाएगा यहाँ पे. कुछ होगा कि पार्शियल पेनेट्रेशन होगा, जो मतलब सिर्फ ऊपर रहेगा, राइट. मतलब ऐसे दो प्लेट है तो मतलब इतना वेल्डिंग किया हमने, इसका मतलब ये पार्शियल पेनेट्रेशन हो गया, मतलब पूरा पेनेट्रेशन नहीं हुआ है, इतना तक ही वेल्डिंग किया गया है और जुड़ गया हमारा मेंबर, ठीक है. ये चीज हो सकती है, तो दोनों काम हो सकता है. उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सिंगल वी दिख रहा होगा, जो कि वी शेप में यहाँ पे कुछ दिख रहा है, इसलिए हम इसको वी बोल रहे हैं, ठीक है. सिंगल बेवल बट वेल्ड बोला जा रहा है, मतलब एक एक जो लाइन होगा ऐसा मानिए, एक ऐसे स्लॉप पे मानिए, राइट. तो इस तरह का होगा तो उसको हम लोग बेवल बोलेंगे. इसी तरह से फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जो भी देख लीजिए यहाँ पे ब्रॉड रूट फेस के साथ हम लोग इस तरह से कुछ नोट कर रहे हैं, बेवल को हम लोग फिर ब्रॉड रूट के साथ इस तरह से कर रहे हैं. तो ये सब आप एक बार लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने नोटबुक में इसको कर लीजिएगा. और इसमें सिर्फ बस सिंबल्स वगैरह जो भी हैं थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखने हैं. मान लीजिए कभी क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे लिस्ट कर सकते हैं, राइट. और इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है. सिंगल यू बट वेल्ड की बात करेंगे तो सिंगल यू मतलब ऊपर यू दिख रहा होगा और नीचे देखिए ये यहाँ दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, राइट. दो प्लेट है, कहीं मानिए ज्वाइन करेंगे तो भी दिखे, भी शेप का दिखे, भी बोल दिया हमने, कहीं यू शेप का दिख रहा था, यू बोल दिया हमने, इस तरह से शेप पे, ठीक है. इस तरह से इसका भी देख लीजिए, सिंगल यू बट वेल्ड की बात कर रहे हैं, तो एक सरफेस यहाँ पे स्ट्रेट है, एक हमारा यू की तरह है, तो यू हो गया, ठीक है.
तो ये जो है बेसिकली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिखेंगे, हो सकता है कुछ और भी क्लासिफिकेशन इसमें होगा, बट आप इसको समझ लीजिए कि हाँ इस तरह के सिंबल्स हैं, इस तरह के टाइप्स हैं। और हम लोग जो भी ज़्यादा यूज करने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको ज़्यादा यूज करेंगे और आपको भी ज़्यादा मिलेगा, यू ज़्यादा मिलेगा, डबल भी डबल यू ज़्यादा मिलेगा, ये सब चीज़ें हम लोग अभी देखने जा रहे हैं आगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ फ्लिट वेल की बात करेंगे। ठीक है, मैंने बताया आपको यहाँ पे कनेक्शन जो भी होते हैं, दो फेस को ऐड करना है इस तरह से किसी प्लेट में, तो हमको कैसे ऐड करना पड़ेगा, राइट? इसमें हम लोग को ऐड करने के लिए इस फेस को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, इस फेस को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, इस तरह से। तो जो सबसे पहला जो है मोस्ट कॉमन जो आपको यहाँ पढ़ना है, जिसका डिजाइन भी करना है, वो इस फैशन का आपको देखना है। ठीक है, दो दिख रहा है आपको यहाँ पे 90 डिग्री पे हम लोग कोई ज्वाइन कर रहे हैं प्लेट को, और देखेंगे कि ये जो रन है यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग किया हुआ पार्ट, देखिए ये वाला पोर्शन जो दिख रहा होगा, और ये कुछ इस तरह का रहता है। कंप्लीट आपको इस तरह का तो नहीं रहेगा जब आप देखिएगा तो, बिकॉज जब ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये नीचे ऐसे आएगा और बाहर भी जाएगा, राइट? इस तरह से दिख रहता है। तो ये चीजें हैं, बट इसको हम लोग बोलते हैं रफली कि हाँ ये इस तरह का इसका सिंबल हम लोग दे सकते हैं फ्लेट वेल्ड जो भी होगा उसको। एक और होता है प्लग वेल्ड जो होता है, ठीक है, इसमें बीच में होल रहता है, ठीक है, और कनेक्ट कर रहा है आपको नेक्स्ट प्लेट से, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का दिया गया है, राइट? इस तरह के मतलब एक प्लेट देखिए इंटैक्ट है, दूसरा प्लेट में यहाँ पे होल है और प्लस वेल्डिंग किया हुआ है। उसके बाद देखिए स्पॉट वेल्ड की बात करेंगे, यहाँ पे बीच में स्पॉट मतलब क्या हुआ, एकदम छोटे जगह पे हम लोग वेल्ड कर रहे हैं, स्पॉट मतलब कुछ एक पोर्शन में वेल्ड कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर दिए, यहाँ पे वेल्ड कर दिए, राइट? यहाँ पे हम लोग वेल्ड कर दिए, यहाँ वेल्ड कर दिए, ठीक है, इस तरह से मतलब कंप्लीट रन नहीं ले रहे हैं, स्पॉट वेल्ड हो गया। उसके बाद सीम वेल्ड देख लीजिए, ठीक है, ये भी मतलब किसी एक मेंबर में है, आपको यहाँ से वहाँ तक रन किया गया है, दूसरा मेंबर यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा, इसका सिंबल कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो ध्यान रखना है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट जो होगा ये वाला, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है फ्लेट वेल्ड, कि फ्लेट वेल्ड का हमको ज्वाइंट करना है। प्लस इसका जो एंगल है, मान लीजिए यहाँ पे तो 90 है, लेकिन अलग अलग एंगल पे भी आपको डिजाइन करना है, ठीक है, अलग अलग एंगल का भी आपको डिजाइन करना होगा, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं, ये डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लेंगे कि फ्लेट वेल्ड का जो टाइप्स है, सिम्बॉल्स है क्या है, बट वेल्ड का टाइप्स एंड सिम्बॉल्स क्या है, ठीक। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइन में चलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कुछ वेल्डिंग टर्मोलॉजी की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं, या वेल्डिंग टर्मोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कहीं कहीं, मान लीजिए क्वेश्चन आया फिगर में दे दिया, पूछ दिया, तो देखिए फ्लेट वेल्ड की बात कर रहे, अभी बात कर रहे थे बट वेल्ड की बात कर रहे थे। कुछ कुछ क्या होता है, मान लीजिए इस तरह का फैशन में अगर वेल्डिंग हुआ है, मतलब फ्लेट का ही टाइप है देखिए एक तरह से, लेकिन अगर इसको इधर भी वेल्डिंग कर दिया है हमने, तो इसी को हम लोग बोले कंपाउंड, राइट? उसके बाद देखिए इसको एज में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको एज बोल रहे हैं। स्पॉट तो आपने देखा होगा अभी, ठीक है, एक जगह में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, स्पॉट हो गया। प्लग मतलब क्या हुआ कि पूरा मेंबर में देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, राइट? इस तरह से एक प्लेट यहाँ पे उसमें प्लग करके यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है, राइट? यहाँ से तो इस तरह का जो वेल्डिंग होगा उसको प्लग बोलेंगे। तो ये बेसिकली कॉमन आपको दिखेंगे वेल्डिंग टर्मोलॉजी कहीं कहीं यूज होता हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो अभी हमने वहाँ भी देखा, लिस्ट में ये सब चीज़ें मिल गई होंगी आपको, स्पॉट और प्लग और फिलेट और बट वेल्ड, राइट? ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें अगर, तो देख लीजिए वेल्डिंग प्रोसेस जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में, अगर आप इसको लिस्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आपको मिलेंगे। तो पहला देखिएगा आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, राइट? आर्क वेल्डिंग हो गया, उसके बाद ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग हो गया, उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गया, और अदर टाइप ऑफ वेल्डिंग हो गया। तो जब भी वेल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ध्यान में आता होगा कि जो भी हम लोग किसी मेटल को जो ऐड करते हैं तो आप देखते हो उसको क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, राइट? उसको मेल्ट करके इलेक्ट्रोड का यूज करके या जो भी रिजॉइनिंग मेटल है उसको यूज करके हम लोग यूज करते हैं, राइट? इलेक्ट्रोड का जनरली आपने यूज किया होगा। और ये चीजें तो कुछ होता है, जैसे जो भी वेल्डिंग की बात करें, जब भी मेटल को क्या है उसको मोल्टन स्टेज में ला के पूरा
उसको हम लोग वेल्डिंग का प्रोसेस जो भी है, आर्क वेल्डिंग हो गया या ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखा होगा, गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग, जस्ट इसको नाम से जानना है कि हाँ। उसके बाद एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे क्या करते हैं, हैमर का यूज करते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रेशर का यूज करते हैं, और मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्ज टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं। जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करें तो हम लोग क्या करें, जो मेंबर्स हमारा ऐड करने का, उसको हीट कर लिया, हीट करने के बाद उसको टोक टोक के टोक टोक के टोक टोक के उसको हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, राइट। तो ये प्रोसेस भी होता है। उसके बाद कुछ अदर टाइप्स ऑफ आपको बिल्डिंग भी दिखेंगे, जिसमें हम लोग किसी और केमिकल कंपोजिशन को यूज करके ऐसा हीट जनरेट करते हैं जहाँ पे हमको ज्वाइंट करना है, ठीक है, और उससे हमारा वेल्डिंग हो जाता है। तो बहुत तरह के वेल्डिंग्स हैं, आप लोग जाके ये विकिपीडिया पे आपको अवेलेबल, अगर जाके लिस्ट देखना है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, बहुत ही लंबा सा लिस्ट आपको दिखेगा। तो इसका हम ज़्यादा फायदा नहीं है हमारे सिलेबस में, और हमारे डिजाइन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट आप एक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, जानने के लिए। चलिए अभी चलते हैं आगे। एक दो चीज़ आपको जो है, ये जो फोर्ज वेल्डिंग आप देख रहे हैं, ये लास्ट टाइम पूछा हुआ था आपके इसी सिलेबस में से पूछा हुआ था, भले आपके ये वेल्डिंग प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि पढ़ना है, बट टाइप ऑफ वेल्डिंग और सिंबल्स वगैरह तो है जरूर, बट अगर प्रोसेस से भी पूछा जाता है, जो फोर्ज वेल्डिंग है, दिस इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस दैट जॉइंट्स टू पीसेस ऑफ मेटल बाय हीटिंग देम टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन हैमरिंग देम, जैसा मैंने अभी बताया आपको, दिस इज कॉल्ड फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। फोर्ज मतलब क्या है कि जो हमारा, आपको मैंने बताया होगा, जो डक्टिलिटी है, ठीक है, मैलिएबिलिटी है, राइट, वो सब चीज़ कहाँ है, जो प्लास्टिक रेंज की हम लोग बात करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। मतलब अगर हम लोग रेड हॉट कर दें किसी मेटल को, वो किस स्टेज पे पहुँच गया, वो प्लास्टिक स्टेज पे पहुँच गया, राइट। अब उसको हम किसी भी शेप में उसको ला सकते हैं, तो वही करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमरिंग, और हैमरिंग फेनोमेना जो है उससे हम लोग, जो प्रेशर टेक्निक है उससे हम लोग यूज करके दो मेंबर को ज्वाइंट कर रहे हैं, राइट, हीट कर दिया, उसके बाद दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह का चीज़ है ये। इसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग, इसमें इसको बोलते हैं फोर्ज वेल्डिंग। अब आर्क वेल्डिंग की बात करें, गैस वेल्डिंग की बात करें, उसमें आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, और ठीक है, उसके बाद आपका जो कनेक्शन है, आपका जो एनर्जी है, उसका यूज करके हम लोग उसको वेल्ड करते हैं, उसको गला के, राइट, उसको मोल्टन स्टेज में लाते हैं इतना ज़्यादा हीट करके, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फोर्ज वेल्डिंग हो गया। इसके अलावा और भी एक आपको पूछा हुआ था लास्ट ईयर, जो थर्मिट वेल्डिंग की बात करें, इसमें क्या होता है कि इट इज अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट एम्प्लॉयज मोल्टेन मेटल टू परमानेंटली ज्वाइन द कंडक्टर्स। द प्रोसेस एम्प्लॉयज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ ए थर्माइट कंपोजिशन। थर्माइट कंपोजिशन का मतलब इसमें क्या रहता है, जो आपको Fe2O3 है, ठीक है, और Al2O3 है, इसका ये कंपोजिशन है, तो इसका जो है क्या है, हीटिंग जो है, एक रिएक्शन जो होता है, थर्माइट कंपोजिशन इसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, राइट, और उस रिएक्शन के कारण क्या है, काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता है। मतलब आप समझिए कि हमको फिर अदर से कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अदर से कोई करंट की, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो थर्माइट वेल्डिंग है। इसके बारे में आपको पढ़ना है तो और जाके आप लोग विकिपीडिया है या और भी कुछ कई चीज़ें हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली थर्माइट कंपोजिशन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, उससे काफ़ी हीट निकलता है। इनिशियली आपको थोड़ा सा हीट करना है, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा थर्माइट कंपोजिशन का, उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट निकलता है, और उसी हीट के कारण ज्वाइंट हो जाते हैं। जनरली ये जो है, जो रेल्स आप देखते हैं पटरी पे, देखते हो ना, जो पटरी बिछी हुई है, रेल्स जो बिछी है, उसका जो ज्वाइंट होता है ना, दो रेल मेंबर को ज्वाइंट करने के लिए, वहाँ पे थर्माइट वेल्डिंग का यूज किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए, इसके एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो काफ़ी यूज होता है रेलवे में, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग, ये आप देख लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। ये सब जस्ट वेल्डिंग प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, और बेसिकली हम लोग को पहुँचना है डिजाइन पे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं जो हमारा मेन फोकस है इस चैप्टर में, डिजाइन ऑफ बट वेल्ड के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा,
तो जैसे अभी हम लोगों ने डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, रिवेटेड जॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो कैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था परमिसिबल स्ट्रेस की बात वहां भी करते हैं। सिमिलरली हम लोग जो डिजाइन ऑफ बट वेल्ड करेंगे यहाँ पर भी हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस की बात करेंगे कि हम लोग कौन सा परमिसिबल स्ट्रेस यूज करेंगे वेल्ड के कनेक्शन वेल्ड में, वो आपको देखना पड़ेगा, वो उसका भी आप टेबल अभी मिलेगा आपको। उसके बाद अदर जो डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे रेनफोर्समेंट क्या होता है, साइज ऑफ वेल्ड किसको बोलेंगे बट वेल्ड में, राइट, थ्रॉट थिकनेस क्या है, इफेक्टिव एरिया क्या है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आप डिजाइन को समझ जाएगा जो बट वेल्ड का डिजाइन है, राइट। तो चलिए हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अगर हम लोग रिवेट की बात करें तो रिवेट के केस में हम लोग साइज क्या बोलते थे, वहां पे साइज क्या होता था मुझे बताएंगे कोई, वहां पे साइज क्या होता था? यस सर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। हां, जो वहां पे क्या साइज बोलते थे, जो रिवेट का साइज था दैट इज नॉमिनल डायमीटर उसका, उसके बाद हम उसको ग्रॉस डायमीटर ये सब निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे साइज ऑफ वेल्ड क्या है, तो ये थ्रॉट थिकनेस है। अब थ्रॉट थिकनेस आपको समझना पड़ेगा कि थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, तो ये अभी टर्म आएगा, उस टर्म से हम लोग वेल्ड को डिफाइन करेंगे। हाँ, ये हम बोलेंगे कि हाँ इस थ्रॉट थिकनेस का है, मतलब ये साइज का वेल्ड हो गया, राइट। यहाँ पे रेनफोर्समेंट का एक बात आया कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, ठीक है। इफेक्टिव एरिया हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग इफेक्टिव लेंथ किसको बोलेंगे, और थ्रॉट थिकनेस से मल्टीप्लाई करके हम लोग इफेक्टिव एरिया बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, राइट। जो इफेक्टिव एरिया की बात करें तो यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक आ जाएगा आपको और इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ये भी टर्म यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो थ्रॉट थिकनेस होता है जिसको हम लोग जनरली टीटी से डिनोट करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इफेक्टिव एरिया निकल जाएगा, राइट। और बट वेल्ड का स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, अगर हम मैं पूछूं आपसे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की बात करते थे इन सियर इन बियरिंग या वट एवर जो हमारा टियरिंग था प्लेट का, तो वहाँ पे हम लोग कैसे स्ट्रेंथ निकालते थे, तो एक्चुअली हम लोगों को क्या है, परमिसिबल दिया रहता था, राइट। परमिसिबल दिया रहता है तो हमें क्या करना है, हम लोगों को जस्ट एक क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। सिमिलर चीजें हैं, अगर हमको इफेक्टिव एरिया पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव एरिया इंटू जो भी परमिसिबल स्ट्रेस हमको दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताइए, है ना? यस सर, आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी हमको वही काम करना है, यहाँ भी हमें वही चीजें करनी है। काफी आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक चीजों को, और मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है रेनफोर्समेंट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी फर्दर स्पेसिफिकेशन उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस देखते हैं कितना होता है, इसको नोट करना होगा आपको। ये देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप लोग जो आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, यहाँ लिखा हुआ है इसमें परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए टेंशन और कंप्रेशन ऑन अ सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ द बट वेल्ड, अगर वहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन की बात आएगी, राइट, मतलब हमारा दो अगर दो प्लेट ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग वेल्डिंग के कारण, और यहाँ पे मान लीजिए टेंशन आ रहा है दोनों तरफ से या कंप्रेशन आ रहा है, तो उस केस में हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस कितना लेंगे, 150 MPa, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, 150 MPa हम लोग यूज करेंगे। अगर बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन की बात करें, अगर बेंडिंग आ जाता है हमारे मेंबर में, ठीक है, जो कि लोडेड है टेंशन और कंप्रेशन के लिए, बट बेंडिंग आ गया, ठीक है, हमारा सेंट्रिक लोडिंग है, ठीक है, उस तरह का लोडिंग केस है सेंट्रिक, और बेंडिंग का फिनोमेना हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ इंड्यूस हो जाता है, उस केस में हमारा बेंडिंग का जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा दैट इज 165 MPa लेते हैं। उसके बाद सियर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट और प्लेट वेल्ड, तो अगर मान लीजिए सियर के केस में अगर सियर आता है, राइट, जैसे मान लिया ऐसा कुछ है, ये मैं फ्लेट वेल्ड का बात कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ हो, राइट, तो मान लीजिए ये क्या होगा, आपको सियर आएगा इस फेस में, सियर कैसा आएगा, मतलब इस तरह से कुछ फेस पे सियर आएगा, ठीक है, तो ये सियर आने के चांसेस होंगे, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का सियर स्ट्रेंथ लेके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि हमारा बट वेल्ड कैसे फिल करेगा, हमारा फ्लेट वेल्ड कैसे फिल करेगा, ठीक है, दो बातें यहाँ पे आई अभी, ठीक, तो जैसे जो फेल करेगा उस तरह से वहाँ को डिजाइन करना होगा, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं आपसे कि ये जो दिख रहा है आपको, अगर आप सोचें कि बट वेल्ड जो है वो फेलियर उसका कैसे होगा,
टेंशन में होगा, कंप्रेशन में होगा या शियर में होगा। अगर मैं पूछूं आपसे एक्सियल मैं लोडिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें बेंडिंग नहीं आएगी, ठीक है, पहले बता देता हूं। एक्सियल की जब भी बात करेंगे तो जो बेंडिंग फिनोमेना है वो नहीं आता, ये हम लोग एजम्पशन करके चलते हैं। एक्सियल मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक लाइन में, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हो गया। तो अगर हम इस तरह से मेंबर को खींच रहे हैं तो यहाँ पे बेंडिंग तो नहीं आएगी। बट अगर मुझे बताइए इस तरह के फिनोमेना जब भी होगा तो ये फेल कैसे करेगा, ये बताइए, कोई बताएंगे? टेंशन में ज्यादा फेल होने का था, टेंशन में, हाँ टेंशन में इसको फेल होने का चांस ज्यादा है। मान लीजिए अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहाँ पे कंप्रेशन लगा दें, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन लगा दें, तब ये कंप्रेशन में फेल करने का चांस हो जाएगा, राइट। लेकिन सीयर कब होगा? जब सीयर में इस तरह का कुछ फोर्स आएगा तभी ना सीयर होगा, ठीक है। ये जो है जनरली यहाँ पे सीयर नहीं आएगा जब हम टेंशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इस तरह का जो भी बिल्डिंग होगा उसमें हमको सीयर की चांसेस कम रहेंगे कि फेल करे। तो फेल करेगा तो टेंशन में फेल कर जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा जब हम बटवेल का डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे टेंशन फोर्डेंशन टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, उसके कारण जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होगा उसका यूज करेंगे, मतलब 150 MPa का यूज ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जो है सीयर का यूज हम लोग जहाँ कहाँ पर करेंगे, जहाँ पे आपको फिलेट होगा, क्योंकि जब फिलेट का कनेक्शन करते हैं, मान लीजिए तो ये दो प्लेट को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे फोर्स लग रहा हो सकता है कि इसमें तीनों चीज़ आ सकती है, टेंशन भी आ सकता है, कंप्रेशन भी आ सकता है, सीयर भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेज ऐसे होंगे कि ये दोनों सीयर करना चाहेगा सरफेस, ठीक है, अलग होना चाहेगा, और उस कारण से यहाँ सीयर ज़्यादा क्रिटिकल रहता है। तो हम लोग जनरली फिलेट वेल्ड को सीयर में हम लोग डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसको लगेगा हमको कि हाँ वो सीयर में वीक है, इस तरह से, ठीक है। एक और प्लग वेल्ड आपको टाइप बताए थे, प्लग वेल्ड के केस में भी हम लोग कुछ परमिसिबल स्ट्रेस इस तरह का लेके चलते हैं, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस इन सीयर एंड टेंशन आर रिड्यूस टू 80% व्हेन वेल्डिंग इज डन इन फील्ड। तो जो भी चीजें यहाँ देख रहे हैं ये हम लोग एक तरह समझ लीजिए शॉप में कर रहे हैं, राइट, फैक्ट्री में कर रहे हैं, वर्कशॉप में कर रहे हैं। जैसे ही हम फील्ड में जाएंगे तो जो परमिसिबल स्ट्रेस है इसको हम लोग 80% रिड्यूस कर देंगे, 80% कम करके यूज करेंगे। सेम केसेज आपने रिवेक में भी पढ़ा होगा, जैसे हम लोग फील्ड की बात करते थे, हम लोग वहाँ पे 20% यूज करते थे, 20% कम करके यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे 20% कम करके यूज करेंगे, राइट। हम लोग 80% पे ले आएंगे जो हमारा भी ये है, मतलब अगर आप इसको 80% निकाल लेंगे, राइट, तो उतना हम लोग यूज करेंगे, 20% कम कर दीजिए एक तरह से, है ना वो चीज। तो ये चीजें हैं, ये यूज होंगी अभी, और जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या परमिसिबल स्ट्रेस आएगा। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, इसमें सर इसको नोट कर लेंगे आप लोग नोटबुक में, इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक और चीज मैं दिखाऊं आपको, जो बट बिल्ड है, देखिए यहाँ पे बट बिल्ड का फैशन आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, कि हमारा दो प्लेट है इसको ऐड किया गया है, तो ये पार्ट यहाँ दिख रहा होगा, एक नीचे दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ वेल्डिंग किया गया है। तो यहाँ पे आपको दो बात मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो साइज की बात करते हैं, जब भी हम बट बिल्ड की साइज की बात करेंगे, इसका मतलब हुआ हम थ्रॉट थिकनेस की बात कर रहे हैं, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो जो भी साइज ऑफ बट बिल्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्रॉट थिकनेस, राइट, थ्रॉट थिकनेस, इसी को हम लोग बोल रहे हैं साइज ऑफ बिल्ड, ठीक है, साइज ऑफ बट बिल्ड इस केस में। उसके बाद होता क्या है, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि सीधा हम लोग यहां से यहां तक का वेल्डिंग कर दिया, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथ देने के लिए थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं और ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, इस तरह का फैशन हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक का जो थिकनेस आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली रेनफोर्समेंट, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट देने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्ट्रेंथ देना, जैसे आप लोग कहते हैं RCC, पढ़ते हैं रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, तो रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, राइट, तो दैट इज रेनफोर्स्ड, रेनफोर्समेंट करना, ठीक है, मतलब आप उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं रेनफोर्समेंट करके। तो दिस इज टर्म, जनरल टर्म, मतलब रेनफोर्समेंट से आप ये समझिए कि हम किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे, उसको स्ट्रेंथ देंगे, तो उसको कहा जा सकता है वो रेनफोर्समेंट। तो यहाँ बट वेल्ड के केस में क्या है, हमारा जो रेनफोर्समेंट है दैट इज एडिशनल वेल्डिंग अबव दिस, ठीक है, अबव दिस लाइन,
इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग आप देख रहे हैं दोनों तरफ ये पार्ट जो देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड रेनफोर्समेंट, जो भी यहाँ पे थिकनेस दिख रहा होगा दैट इज रेनफोर्समेंट, ये रेनफोर्समेंट। और उसके बाद जो ये फेस दिख रहा है इसको हम लोग वेट फेस बोलेंगे, नीचे वाला फेस भी हम लोग इसको वेट फेस बोलेंगे। ठीक, तो ये चीज समझने की है कि जो साइज होता है उसको हम लोग क्रॉस थिकनेस बोलते हैं। तो जो साइज मान लीजिए इस मेंबर का होगा, आप देखेंगे ये आएगा क्रॉस थिकनेस, किसको क्या बोलेंगे इसको, इसका भी एक स्पेसिफिकेशन है कि क्रॉस थिकनेस कितना होता है। तो ये अभी आप नहीं बता पाइएगा कि ये कितना होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारा बट बिल्ड जो है उसमें किस तरह का बिल्डिंग किया हुआ है, उसमें पेनेट्रेशन देखा जाता है, राइट। पेनेट्रेशन का मीनिंग, एक पेनेट्रेशन टर्म आएगा अभी, पेनेट्रेशन का मीनिंग हो गया कि जब वेल्डिंग कर रहे हैं तो क्या ये कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक है वेल्डिंग, कंप्लीट पेनेट्रेट कर गया जो मेंबर हमारा है वो जॉइंट हो रहा है, या पार्शियल पेनेट्रेशन हुआ है। मतलब पार्शियल मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने ज्वाइंट किया, इतना ही ज्वाइंट किया, राइट, इस तरह से ज्वाइंट कर दिया है, इस तरह थोड़ा बहुत रेनफोर्समेंट दिख रहा है, इस तरह का ज्वाइंट किया हुआ है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि दोनों अलग अलग है। इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल पेनेट्रेशन बट बिल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट पेनेट्रेशन बट बिल्ड। तो ये चीजों का भी फर्क पड़ता है, तब इस केस में हमारा थ्रॉट थिकनेस बदल जाएगा, है ना, इस केस में हमारा थ्रॉट थिकनेस बदल जाएगा, इस केस में हमारा साइज भी बदल जाएगा आपको बट बिल्ड का, ठीक है, ये चीजें। तो चलिए ये सब चीजें और क्लियर होंगी अभी, ये तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया, और आगे देख लेते हैं। देखिए पार्शियल पेनेट्रेशन बट बिल्ड, यहाँ पे क्या है कि जो आपका पेनेट्रेशन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे बचा हुआ है ना, इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनेट्रेशन, पूरा जो ज्वाइंट किया हुआ है ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इनकम्प्लीट ज्वाइंट पेनेट्रेशन आपको दिख रहा है, ये चीजें, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पार्शियल ज्वाइंट पेनेट्रेशन बिल्ड, राइट। तो ये पार्शियल पेनेट्रेशन बट बिल्ड हो गया, और आप कह सकते हैं कि ये भी बिल्ड हो गया ना, भी दिख रहा तो भी हो गया, अगर माने यू दिखता हमको पूरा यू दिखता तो इसको बोल देंगे यू, है ना, इस तरह का आपको दिख सकता है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं किस तरह के साइज के हैं, वो आपको क्वेश्चन में आएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया पार्शियल पेनेट्रेशन, जैसा मैंने बताया अभी आपको। उसके बाद एक हो गया, ये देखेंगे कंप्लीट पेनेट्रेशन, ठीक है। कंप्लीट मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर नीचे तक, मतलब पूरा का पूरा आपको थिकनेस में कवर हो जाएगा, राइट। तो जब भी कंप्लीट पेनेट्रेशन होगा तो पूरा थ्रॉट थिकनेस ये बन जाएगा, ठीक, पूरा थ्रॉट थिकनेस ये बन जाएगा, यही हमारा साइज हो जाएगा। ये थ्रॉट थिकनेस का ही मेन खेला है इसमें, राइट, ये निकालना आना चाहिए। जैसे मैं बोलता था आपको रिवेट कनेक्शन में कैसे आप टी निकालते थे, जब भी टी में पूछता था, जब भी बियरिंग में टी का यूज करते थे तो थिकनेस कौन सा लेते थे, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, राइट, थिनर मेंबर का थिकनेस हम यूज करते थे, ना कि मतलब जो प्लेट का थिकनेस है कोई एक प्लेट का उठा लिया जनरल, ऐसा कर नहीं करते थे हम लोग, थिनर प्लेट देखते थे, थिनर मेंबर देखते थे। जैसे मैं एग्जांपल अभी दूं आपसे, जैसे ऐसे मैंने एंगल सेक्शन को ऐड किया था, आपको याद होगा, तो यहाँ पे जो ऐड करने वाले मेंबर है ये 10 mm का था, और ये मान लेते हैं आपका 8 mm है, ये 8 mm है। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको तो रिवेटेड कनेक्शन करना है यहाँ पे, तो हम लोग थिकनेस क्या लेते थे, सो बताइए क्या थिकनेस लेते थे, 10 mm क्यों लेते थे, क्योंकि जो मेंबर ऐड हो रहा है, जो एंगल ऐड कर रहे हैं, इसका पूरा थिकनेस लेना है ना हमको, क्योंकि पूरा आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिवेटिंग करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होल होगा, यहाँ पे रिवेट होगा, इसीलिए 8 प्लस 8 16 हो गया और 10 हो गया, दोनों में जो मिनिमम होता था हम लोग उसको ले लेते थे। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, अगर ये माने गलत कर देते हैं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, इसी तरह से यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस का एक इंपॉर्टेंस है कि अगर आपका साइज ऑफ वेल्ड गलत हो गया, थ्रॉट थिकनेस गलत हो गया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये दो चीजें जो मैंने अभी बताई आपको, पार्शियल पेनेट्रेशन बट वेल्ड और जो आपका कंप्लीट पेनेट्रेशन बट वेल्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों पे आपको डिपेंड करेगा जो साइज ऑफ वेल्ड है, राइट। चलिए अब चलते हैं, आपको मैं नोट्स दिखाता हूँ, आपको क्लास नोट्स पे चलते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि जो बट बिल्ड है, इसमें ये चीज तो मैंने पहले ही बता दी आपको, ये रेनफोर्समेंट हुआ, ये थ्रॉट थिकनेस हुआ। एक और बात यहाँ समझ सकते हैं, जो ये अंदर का जो जोन दिख रहा है, ठीक है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन जोन, राइट। अंदर का जो चीज दिख रहा है आपको फ्यूजन जोन बोलते हैं। चलिए एक टर्म है, द बट बिल्ड इज डिजाइंड फॉर डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन यूजुअली, बिकॉज यहाँ पे सीयर आने का चांस कम है। मान लीजिए जो भी यहाँ पे टेंशन लगेगा तो
टेंशन में फील कर जाएगा, कॉम्प्रेशन आएगा कॉम्प्रेशन में फील कर देगा, लेकिन सीयर में विजुअली फील नहीं करता है। इसीलिए जो हमारा बट वेट है उसको डिजाइन हमको कैसे करना है, हमको करना होगा उसको टेंशन में, राइट, टेंशन में उसको या कॉम्प्रेशन में उसको यूजुअली हम लोगों को डिजाइन करना होगा। तो कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मैं दिखा दूं, आपको क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए। चलिए पहला आ गया रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट में आप लोग इसको नोट करेंगे, इट इज द एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल विच मेक्स द थ्रॉट थिकनेस एटलीस्ट 10% ग्रेटर देन द थिकनेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल, ठीक है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, ठीक है। रेनफोर्समेंट जो हमारा है, अगर रेनफोर्समेंट आप करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, राइट, जॉइंट का एफिशिएंसी हमारा इंक्रीज हो जाता है, राइट। जो हम अगर थ्रॉट थिकनेस है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% उससे हम लोग बढ़ा के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, उतना बिल्डिंग हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे उसके सर्फेस पे, इसी को हम लोग रेनफोर्समेंट बोल रहे हैं। तो इससे हमारा एफिशिएंसी जॉइंट का बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हमारा जॉइंट बनेगा, राइट। तो ये बात हो गई, तो एटलीस्ट 10% ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल, वो हो गया आपका ये चीज रेनफोर्समेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग और देखते हैं साइज की बात करें, तो साइज ऑफ बेल्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करेगा कि ये पेनिट्रेशन यहाँ पे कैसा है, राइट। तो थ्रॉट थिकनेस इसको आप नोट करेंगे कि जो साइज ऑफ बेल्ट है वो थ्रॉट थिकनेस से हमको पता चलता है बट बेल्ट के केस में। और दो केसेस यहाँ बनते हैं, एक केस बनता है पार्शियल पेनिट्रेशन का, अगर पार्शियल पेनिट्रेशन है, ठीक, तो इस केस में हमारा जो पार्शियल पेनिट्रेशन के केस में जो हमारा थ्रॉट थिकनेस होगा, जो हमारा टीटी जो बोलते हैं आप, वो क्या होगा, टीटी और टी भी समटाइम बोला जा सकता है, चलिए उसको टीटी बोलिए या टी बोलिए, इज इक्वल टू 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर्स, ठीक है, टू बी ज्वाइंट, यहाँ लिख दीजिए टू बी ज्वाइंटेड कर देते हैं। मतलब आप मान लीजिए एक प्लेट लगा रहे हैं, जैसे मान लिया जाए एक प्लेट मैंने यहाँ 12 mm का लिया है और एक प्लेट हमने लिया है 10 mm का, और इसको हम लोग वेल्डिंग करने जा रहे हैं, राइट, और हम लोग पार्शियल वेल्डिंग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब टी निकालेंगे तो 5/8 इंटू थिनर मेंबर, दोनों का जो कम होगा दोनों में वो लेंगे, राइट। तो यहाँ 10 और 12 में मिनिमम आपको 10 दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ 10 लेंगे, राइट, और इससे हम लोग निकालेंगे जो हमारा साइज होगा टीटी और टी जो बोलते हैं वो, है ना, थ्रॉट थिकनेस आपको इन केस ऑफ पार्शियल पेनिट्रेशन। अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, तब आपका काफी आसान हो जाएगा। इस केस में हम लोग का जो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है उसका हम लोग यूज कर लेंगे। मान लीजिए कंप्लीट पेनिट्रेशन रहता तो इस केस में अगर हम कहते कंप्लीट पेनिट्रेशन के केस में, तो ये हो जाएगा साथ सीधा 10 mm, इसको हम लोग लिख सकते थे। समझ में आया क्या चीज आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये बहुत बेसिक है कि हमको क्या करना है, जो कंप्लीट पेनिट्रेशन का केस होता है तो जो थ्रॉट थिकनेस है दैट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर्स टू बी जॉइंटेड, और अगर हमारा पार्शियल पेनिट्रेशन है तो थ्रॉट थिकनेस जो होगा 5/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर टू बी जॉइंटेड, ये करके हम लोग निकाल लेंगे, राइट। तो आपका फॉर्मूला बन गया TT इज इक्वल टू 5/8 इंटू टी इस केस में, और एक और दूसरा केस आप देखिए TT इज इक्वल टू यहाँ पे टी हो जाएगा जब कंप्लीट पेनिट्रेशन केस होगा। ये दो चीज आप नोट कर लीजिए, ओके, इसका हम लोग फर्दर यूज करने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, आगे बढ़ा जाए, ये आसान है, ठीक है। अगर हम लोग थ्रॉट थिकनेस निकाल लिए हैं तो हम लोग उसका इफेक्टिव एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव एरिया का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना एरिया को, जब भी फॉर्मूला लिखना होता है हम क्या करते हैं, अगर हम थिकनेस पता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव एरिया निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। तो अगर हमको टीटी पता है हमको क्या चाहिए, तो उसका लेंथ चाहिए, कितने लेंथ में उसका वेल्ड होगा, तो लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टीटी करना होगा, राइट। तो इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, राइट, इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड, ठीक, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड। अब क्या होगा, अब ये देखना होगा। सो इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ द वेल्ड फॉर विच द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वेल्ड इज डन, ठीक है। ये क्या है,
कि मान लीजिए जो रिक्वायर्ड साइज ऑफ वेल्ड आपको मतलब जो थ्रॉट थिकनेस का वेल्डिंग करना है ठीक है, उसको करने में जितना लेंथ यूज होगा, जैसे मान लीजिए हम दो प्लेट आपको दिखाएं ऐसे राइट, ऐसे करके हमको प्लेट को ऐड किया हमने ठीक है, तो ये मान लीजिए हम वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग तो यहाँ कर रहे हैं लेकिन हमको पूरा सरफेस में वेल्डिंग कर रहे हैं राइट, यहाँ से लेके यहाँ तक वेल्डिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ आपको दिख रहा है दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड तो आपको लेना पड़ेगा राइट, और एक आपको थ्रॉट थिकनेस का यहाँ से मिल जाएगा, थ्रॉट थिकनेस यहाँ से मिल जाएगा, तो थ्रॉट थिकनेस मिल गया और लेंथ मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वेल्ड का वो मिल जाएगा राइट, एल एल तो पूरा एल हो गया, उसके बाद जो टी टी है ठीक है उसका प्रोजेक्शन आप मान लीजिए, उसका प्रोजेक्शन से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट, लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया ओके, और ये टी टी हो गया, ये एल हो गया और ये आप टी टी समझिए, तो इसको हम लोग इस एरिया को ले रहे हैं और इसी को हम लोग बोल रहे हैं इफेक्टिव एरिया ए, तो ए इज इक्वल टू एल इंटू सॉरी एल इंटू टी टी कर दिया हमने राइट, वो चीज है, तो ए आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए ये लेंथ आपको और समझ में अभी आएगा, जितना दूर वेल्डिंग कीजिएगा वो लेंथ आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आती है बात कि हम लोग का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, अगर हमको एरिया मिल गया है तो स्ट्रेंथ इज व्हाट, इफेक्टिव एरिया इनटू परमिसिबल जो हमारा स्ट्रेस होता है, तो हम टॉ सिग्मा टीएफ इसको डिनोट कर देते हैं, जो भी आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन और कंप्रेशन होगा ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा टीएफ से डिनोट कर दिया, तो हम लोगों को सॉफ्ट वेल्डिंग के केस में, सॉफ्ट वेल्डिंग के केस में ये हम लोग कितना लेंगे टॉ टीएफ को, अभी मैंने बताया था आपको 150 एमपीए ले लेंगे राइट, और जैसे ही हम लोग फील्ड वेल्ड की बात करेंगे तो फील्ड वेल्ड की बात करेंगे तो हम इसको 80% पर ले आएंगे राइट, उसको घटा देंगे हम लोग ठीक, तो अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो इसका 20% घटा दीजिए कितना आएगा बताइए, तो मुझे 120 आ जाएगा, 120 आपको फील्ड के केस में आएगा ठीक है, सॉफ्ट वेल्ड का केस में हमारा 150 रह जाएगा, तो इसका यूज कर लेंगे स्ट्रेंथ निकल जाएगा ठीक है, काफी सिंपल चीजें हैं, समझ में आई चीजें आपको स्ट्रेंथ निकालना सर, 120 तो इसमें से माइनस करेंगे ना, अरे उसको घटा के 80% पे ले आएंगे स्ट्रेंथ को, परमिसिबल स्ट्रेस को सॉरी, परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारा 100% है, 100% हमारा है 150 राइट, 100% हमारा 150 एमपीए, अगर 80% पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 120 एमपीए, मतलब 120 होगा, मतलब 20% हम घटा रहे हैं, अब 80% घटा दें तो 20 ही बचे, 30 एमपीए बच जाएगा ठीक है। आइए एक छोटा सा अभी देख लेते, एक एग्जांपल हम लोग कर लेंगे अभी ठीक, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे छोटा सा, क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को, यस सर, यस सर, ठीक है, टू प्लेट्स ऑफ साइज 150 mm एंड 12 mm आर टू बी ज्वाइंट राइट बाय बट वेल्ड, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट इफ इट इज फुल्ली पेनेट्रेटेड, इफ इट इज पार्शियली पेनेट्रेटेड, टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज इतना राइट, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है ठीक है। चलिए मुझे क्वेश्चन बताइए क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन डेटा मुझे बताएंगे आप लोग, सर बी इंटू टी दिया हुआ है, अच्छा प्लेट दिया हुआ है राइट, प्लेट कितना yes. है, विड्थ बताइए उसका 150 mm, हाँ ठीक है, बी 150 mm और टी दिया है उसको 12 mm, यही ना 12 mm, यस सर, और क्या दिया है सिग्मा 80, हाँ सिग्मा 80 और सिग्मा अभी क्या लिखा था हमने टीएफ राइट, यही ना यस सर, टीएफ लिखा था ना ठीक है, ये आपका 150 एमपीए राइट, ये चीजें, और उसके बाद कुछ चीजें दे रखी है क्या हम लोग को, और कुछ पता है नहीं सर, केस दिया हुआ, केस दिया हुआ सर, ठीक है, तो हम लोग को दो केसेस करने हैं, तो केस पहला हमारा जो है मान लेते हैं हमारा पहला केस है पार्शियल
पेनेट्रेशन, राइट। तो पार्शियल पेनेट्रेशन के केस में हम बात करें तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे जो थ्रॉट थिकनेस होता है आपको बस वो डिफरेंट होगा। आपको याद होगा 5/8 इंटू टी, मैंने अभी बताया आपको, इसमें पुट करके निकालिए कितना आया, 7.5 mm। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का प्लेट आपको दिख रहा है, दोनों का साइज एक ही दिख रहा है, तो मिनिमम भी निकालिएगा तो वही आएगा, कितना आया है, 7.5। कितना जी सर? Okay. उसके बाद अगर आप इफेक्टिव एरिया निकालने की बात करिएगा तो क्या निकालिएगा बताइए, यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा बिल्डिंग का, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो प्लेट है, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए प्लेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे वेल्ड करने वाले हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है, तो दो केस बनेगा, पार्शियल पेनेट्रेशन होगा तो यहीं तो रुक जाएगा, कंप्लीट होगा तो नीचे तक चला जाएगा, तो जो आपका L है, राइट, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो इसका लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो L कितना हो गया, 150 mm। उसके बाद 150 हो गया, उसके बाद यहाँ से आप जो देखिएगा, मान लीजिए यहाँ थ्रॉट थिकनेस होगा ये इस केस में, तो यहाँ पे देख लीजिए इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा हमारा, L इंटू पी टी 150 इंटू 7.5 लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए कितना होगा, 1125 mm2। अब आप निकाल लीजिए, ठीक है, स्ट्रेंथ निकालना है, पूछ रहा है ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इस केस में जो आपका स्ट्रेंथ आएगा, मान लीजिए इसे किससे डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ को, कुछ भी मान सकते हैं, चलिए ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, बाकी बुक में जो मिलेगा उसको कर लेंगे, सो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड हो जाएगा आपका ए सिग्मा ए टी, पुट कर देंगे 1125 इंटू 150, कितना आया है, 168.75 kN में लिख सकते हैं, अब मालूम न्यूटन में लिख लेंगे वही हो गया आंसर, ठीक है, किलोन्यूटन। ये तो हो गया कि पार्शियल पेनेट्रेशन का केस होगा तब, अब मान लीजिए कंप्लीट पेनेट्रेशन का केस अगर बात कर लें, केस टू की बात करें, तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए और इस पे हम लोगों को और आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, एक आंसर तो हो गया हम लोग का, तो इस केस में हम लोग कुछ करना नहीं है, आप देखें तो केस टू दिस इज कंप्लीट पेनेट्रेशन या फुल्ली पेनेट्रेशन जो लिखा होगा, कंप्लीट पेनेट्रेशन का केस है, इसका मतलब हो गया ये पूरा, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, तो जो टीटी होगा इस केस में वो थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के इक्वल हो जाएगा, डैट इज यहाँ पे 12 है, एक ही मेंबर दिया है, एक ही तरह का मेंबर दिया है, तो जो आपका ये निकलेगा दैट इज 150 में ही कीजिएगा यहाँ पे वेल्डिंग, ठीक है, जो विड्थ है उसका, जितना विड्थ है उतना वेल्डिंग करेंगे, 150 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 1800 mm2 से आ गया। अब हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ए पुट कर दिया 1800 एंड जो आपका सिग्मा एटी है दैट इज 150 कितना आया सर, 270 किलोमीटर, यस सर, कितना आया, ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आंसर आ गया, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके अलावा हम लोग और देखेंगे, तो
इस क्लास में जो है इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, और आप लोग क्या करिएगा उसको नोट करिए जो स्पेसिफिकेशन मैंने बताए हैं आपको बट व्हील का डिजाइन के लिए, ठीक। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बट व्हील ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है, बिकॉज आपने देखा जो भी लेंथ ऑफ वेल्ड है वो आपको मेन समझ में आना चाहिए, कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, क्रॉथ थिकनेस कैसे निकालना है, वो चीज़ें हैं। इसमें हमें और न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको आप लोग जो भी आज हुआ है जो भी सेशन में भी हम लोग कर रहे हैं इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, राइट, ठीक है। तो इस सेशन को हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं, एंड अगर कोई डाउट है तो बताएं, या क्लियर हो गया सबको? सर ये जो टीटी ले रहे हैं सर, इसमें रेनफोर्समेंट का जो है सर उसका थिकनेस तो नहीं ऐड करते हैं सर? नहीं, वो क्या है ना, वो प्रैक्टिकल चीज है। वो क्या है, आप एज जैसे मान लीजिए कंक्रीटिंग करते हैं तो जितना भरना उतना भर दे, थोड़ा बहुत ज्यादा भी करके छोड़ देते हैं ना, होता है ना कभी कभी, तो ये क्या है रेनफोर्समेंट प्रैक्टिस में लेके आना है, तो आपको ज्यादा लेना है उसको थ्रॉट थिकनेस में। हम लोगों को यहाँ पे वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको उससे कोई दिक्कत नहीं, दैट इज अंडरस्टूड, उतना आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये चीज रहेगा, वो अभी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। और बताइए सर, हम लोग पार्शियल पेनिट्रेशन क्यों करते हैं सर, हम लोग फुल भी कर सकते हैं? काहे करिए, आपको जो वेल्डिंग करना हो करिए, लेकिन कभी कभी मान लीजिए वेल्डिंग क्या है, मान लीजिए हमको लोड जो है पार्शियल पेनिट्रेशन से ही लोड हमारा बियर हो जाएगा, दो प्लेट पे टेंशन आना है जितना, उतना टेंशन हमारा उतने में आ जाएगा, हम लोग कंप्लीट उतना क्यों हम लोग वेल्ड को बर्बाद करेंगे, बताइए, इकोनॉमिकल हो जाएगा ना वो, तो मतलब कम कर रहे हैं और हमारा लोड हो गया बियर, हमारा जो पर्पज है सॉल्व हो गया, तो हम लोग फिर फुल वेल्डिंग क्यों करेंगे, फुल्ली पेनिट्रेशन क्यों करेंगे, वो भी चीज़ें हैं। प्लस दिस इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग, तो टाइप ऑफ वेल्डिंग है, कहीं कहीं आपको दिखेगा ये अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फुल्ली है या पार्शियली है, राइट, ये चीज़ दिया रहेगा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। ये काफी काफी इजी है, मुझे लग रहा है काफी आसान लगा होगा, ये रिवेट से भी बहुत इजी है, रिवेट ज्यादा मुश्किल था, मैं बताऊं आपको सर। हाँ, ये सिग्मा 80 जो है सर, रिवेट के केस में हम लोग 150 ही लेते थे सर शॉप में और फील्ड में भी, यहाँ पे सर हम लोग 20% पर कम क्यों ले रहे हैं सर? क्या चीज का, सिग्मा 80? यस सर, उसमें सर रिवेट में जब करते थे शॉप में और फील्ड में 150 ही लेते थे सर दोनों टाइम। सिग्मा यहां पे सर बोले सिग्मा 80 इज एक्चुअली द टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जो कि परमिसिबल स्ट्रेस की बात हम लोग कर रहे हैं, परमिसिबल, तो उसको जो है एज पर द कोड सिग्मा 80 को कोड में जो है क्या दिया गया है, सिग्मा 80 इज इक्वल टू 0.6 FY। सो FY का मतलब अगर हम लोग माइल्ड स्टील की बात करते हैं तो FY 250 होता है, इतना आपको लेना है। मान लीजिए अगर आप स्टील का बदल दें ग्रेड तो चेंज करेगा, ठीक है, पहली बात। उसके बाद सिग्मा 80 जो था ना, ये रिवेट के केस में आप नहीं देखते थे, रिवेट के केस के लिए क्या था, सीयर था, बियरिंग था, दो ही चीज था रिवेट के लिए, आपको याद हो। सिग्मा 80 इज एक्चुअली फॉर द मेंबर्स टू बी ज्वाइंट, जो प्लेट्स हम ज्वाइन कर रहे हैं उसका ये टियरिंग स्ट्रेंथ है, राइट, टियरिंग स्ट्रेंथ मतलब टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है वो दिया हुआ है एज पर द कोड, तो वो आपको 150 लेना होता है हर केस में, यहाँ ही नहीं, आप अगर जो टेंशन मेंबर का डिजाइन करिएगा वहाँ भी आपको 150 ही मिल लेना है, ठीक है। अब क्या बात होती है कि हमको वेरिएशन कहाँ होगा, हमको जो प्रिसीजन है कहाँ कम होगा, जो वेल्डिंग है, जो कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन में ना कम बच कम बेस होगा। अब हमारे साइड पे गए, हम लोगों ने वेल्डिंग किया, अच्छे से वेल्डिंग नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम किस का है, वो मेंबर का प्रॉब्लम है या वेल्डिंग का प्रॉब्लम है, बताइए। वेल्डिंग का होगा, क्योंकि जो आपका मेंबर जो बन के आ रहा है, जो भी प्लेट्स बन के आ रहे हैं वो तो फैक्ट्री मेड है, फैक्ट्री मेड प्लेट में हमारा स्ट्रेंथ कम कैसे होगा, सोचिए। तो ये चीजें हैं, इसलिए ये सेम रहता है। और इसका हम लोग क्या करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब हम बात करें तो क्या कहता है कोड, क्या कहता है, जो बट बिल्ड है उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा बिल्ड का, वो इक्वल टू द परमिसिबल स्ट्रेस इन मेंबर्स टू बी ज्वाइंट, ऐसा बोला गया, ठीक है, इसलिए हम लोग 150 और 150 इक्वल कर दिए। तो सिग्मा TF मैंने बोला आपको 150, वो सिग्मा 80 के बराबर ही दिखा, ठीक। एक और बात कोड ने कहा कि अगर हम लोग यही सेम वेल्डिंग फील्ड में कर रहे हैं तो फील्ड में करेंगे तो हमारा कुछ प्रेसिजन घट जाएगा और उसकी वजह से
जो हमारा स्ट्रेंथ है वेल्ड का वो घटेगा, तो उसने बोला कि उसको हम रिड्यूस कर देंगे 80% पे ले आएंगे, ठीक है 80% में हम लोग उसको रिड्यूस करके ले आएंगे, क्योंकि हमारा वेल्डिंग का जो है प्रेशर कम हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हम उसको 120 पे ले आएंगे, कम पे ले आएंगे, ठीक है ठीक है। तो इस सेशन को हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे।